गाइस कंगुवा मूवी के जो डायरेक्टर है और मेकर है कहीं ना कहीं पागल हो गए हैं और इंडियन सिनेमा को भाई साहब जलाकर खाक करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष गैजेट। गाइस ये जो बात स्टार्टिंग में बोली है लिटरली गाइस वो कहीं ना कहीं सही साबित होने वाली है इंडियन सिनेमा में, क्योंकि कंगुवा मूवी की टीम डायरेक्टर शिव लिटरली जो भी कर रहे हैं काफी तहस महस लेवल पे कर रहे हैं। क्योंकि सजल टीजर आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर जो वाइब देखने को मिला है भाई सब इतना एक्साइटमेंट बढ़ा दिया था कि ये एक्शन थ्रिलर पता नहीं क्या करने वाला है। और गाइस जस्ट अभी कुछ ही देर पहले मूवी की टीम ने एक ऑफिशियल पोस्टर शेयर किया है और उस पोस्टर को देखने के बाद मैं काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया हूँ, क्योंकि भाई सब प्रीवियस में जितने भी अपडेट मैंने दी है कंगुवा और इवन काफी सारी मूवी के भाई साहब वो कहीं ना कहीं सच होती नजर आती है। क्योंकि मूवी की टीम ऑफिशियल लेवल पे जब अनाउंसमेंट करती है तो मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता हूँ। हाँ तो गाइस अभी मूवी की टीम ने डायरेक्टर शिव ने और लीड एक्टर सूर्य सन ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर शेयर किया और इसको पोस्टर नहीं बोल सकते गाइस, ऐसी तबाही बोल सकते हैं जो कि 2024 में रिलीज होने वाली है। हाँ तो गाइस अब बात कर लेते हैं पोस्टर के बारे में कि किस टाइप का पोस्टर आया है। तो गाइस आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा, नहीं देख ले एक बार देख ले फिर अपन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, पोस्टर के बारे में बात करेंगे, अच्छे से देख ले है। तो गाइस अभी अपन बात कर ले पोस्टर के बारे में। तो पोस्टर पे अगर आप देखेंगे तो दोनों आमने सामने होने वाले हैं। और गाइस अब एक्चुअल में यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि मूवी की टीम ने इन दोनों मतलब कि सूर्या सर को आमने सामने क्यों रखा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी जागती है कि यार डायरेक्टर शिव ने ऐसा क्यों किया है। और गाइस काफी दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर अपने को मल्टीपल दो टाइम दिखाई देने वाली जो कि पोस्टर में इजीली देखने को मिली, उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को बोला था कि टाइम मशीन का भी कुछ सीन क्रिएट हो सकता है। वो हो इसलिए सकता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आमने सामने सूर्य सर दोनों आमने सामने देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि जो लेटेस्ट सूर्य सर हैं वो हो सकता है उस टाइम जोन में जाए, फर्स्ट टाइम लाइन में जाए जो कि 1700 ईस्वी का है, और वहां पर जाके आमना सामना हो जाए। तो भाई साहब पोस्टर के बारे में अगर अपन बात करें तो पोस्टर में आप लोगों को इजीली देखने को मिल रहा है दो सूर्य सर हैं और अलग अलग टाइम लाइन देखने को मिल रही है, जहां पर अपने सूर्य सर ने जो पुराने 1700 सदी के जो सूर्य सर हैं उन्होंने अपने वेपन्स के साथ तलवार ले रखी है, और जो सजल टीजर में जो लुक देखने को मिला था सूर्य सर का वो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। आफ्टर दैट जो ये जो सूर्य सर है जो वेस्टर्न कल्चर को मतलब कि फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि सूट उट कैरी कर रखा है, हाथ में गन ले रखी है, जो कि अपन ने रोलेक्स सर के टाइम में भी मतलब कि सिपाहियों ने उनके राउडीज ने ले रखी थी, मतलब कि आप देख सकते हैं तो यहाँ डुअल कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। और सच में गाइज और जो मूवी की टीम ने लिखा है इन सिनेमाज 2024 वर्ल्ड वाइड, तो मतलब कि डायरेक्टर शिव और कंगुवा मूवी की टीम काफी बड़ा सरप्राइज प्लान करके चल रही, क्योंकि आप लोगों को पता है कितनी मल्टीपल लैंग्वेज में आ रही है, 10-20 लैंग्वेजेस में आ रही है इंडियन सिनेमा में, तो आप सोच सकते हैं कि कितना हेवी प्लानिंग किया। और ये जो प्लानिंग किया काफी बड़ा साबित होने वाला है इंडियन सिनेमा में। बाकी पोस्टर काफी यूनिक है, कंटेंट काफी अलग लेवल पे है, जो कि इससे पहले ये इधर के ना जो नपुंसक डायरेक्टर, ये इधर के समझ गए ना नपुंसक डायरेक्टरों की दिमाग के बाहर की चीज है। बाकी मैं काफी एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड हो गए होंगे। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं सूर्या सर की अपकमिंग मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी कंगुवा मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है इस न्यू पोस्टर के बारे में, सूर्या सर के डुअल कैरेक्टर के बारे में, अलग अलग टाइमलाइन के बारे में क्या लगता है अपने ओपिनियन भाई साहब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपका भाई इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।